वेलकम क्लास 11 सी। आपके एग्ज़ाम के बाद ये फर्स्ट लेसन है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद। इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 7 अब हम लोग को पढ़ना है ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में वो पॉइंट होता है, वो बॉडी के भीतर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, जहाँ पूरी बॉडी का हम लोग मास सपोज करते हैं कि कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। द पॉइंट विद इन और आउटसाइड ए बॉडी वेयर द होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ मास। और जिस डायरेक्शन में बच्चों सेंटर ऑफ मास मूव करता है उसी डायरेक्शन में पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन करती है। इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, द पॉइंट विद इन और आउटसाइड ए बॉडी Where the whole mass of a body, मैं मास लिख रहा हूँ वेट नहीं, where the whole mass of a body is supposed to be concentrated is called its सेंटर ऑफ मास, को शॉर्ट में CM लिख देते हैं, इस कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करता है उसी डायरेक्शन में बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है। तो ये नोट करेंगे कि द बॉडी परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में ये बॉडी के बाहर वो पॉइंट होता है जहाँ पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड रहता है, और जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करता है पूरी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। अब हमें देखना है कि हमें अगर कोई बॉडी है दो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास For a two particle system, center of mass of a two particle system. तो मैंने यहाँ पे ये coordinate axis दिखा दी है, ये मैंने x और y axis दिखा दी, ये x axis है, ये y axis है, ये मैंने ओरिजिन को दिखा दिया है, और ये दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, ठीक है। और इसकी ओरिजिन से मास m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने r1 वेक्टर सपोज कर लिया है, और m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। तो ये याद रखेंगे चिल्ड्रन कि अगर कोई बॉडी है दो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है तो इन दोनों का कंबाइंड जो मास होगा वो इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं आर के बेस में सीएम लिख दे रहा हूँ, आर सीएम, ठीक है। और
सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बिल्कुल वही होता है जैसे सेक्शन फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था हम लोग ने क्लास टेंथ में, तब इसका मुझे सेंटर ऑफ मास हम निकालने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इन केस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम RCM इज इक्वल टू, अगर ये निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 R2, M1 को मल्टीप्लाई करते हैं R2 से और M2 को R1 से, प्लस M2 R1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेते हैं, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसी से हम लोग कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले बना लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, वो सारे केसेस हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो दोनों एंड पे मासेस हैं वो अगर इक्वल हों, ठीक है, अगर दोनों मासेस इक्वल होंगे चिल्ड्रन, तो केस 1, इफ एम वन इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू से M, लेट कर लिया M, तो क्या होगा, ऊपर से M कॉमन आ जाएगा और नीचे M प्लस M 2M हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आ जाएगी, तो देखिए क्या आ गई, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी MR2 प्लस MR1 अपॉन M प्लस M, तो M कॉमन होकर के कैंसिल हो गया, तो जो हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था X1 प्लस X2 बाई 2, वही फॉर्मूला आ जाए, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही हो जाएगा। अगर अब सेकेंड केस ले लें कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर हो, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स यानी RCM की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, देन इस फॉर्मूले में 0 इज इक्वल टू आ जाएगा M1 R2 प्लस M2 R1 अपॉन M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 M2 राइट साइड में चला गया, तो ये M1 R2 प्लस M2 R1, तो यहाँ से अगर मैं M1 by M2 का अगर रेशियो निकालूँ, M1 by M2 का अगर रेशियो निकालूँगा तो ये आ जाएगा -R2 by R1, R2 by R1, ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसमें M1 इधर न्यूमरेटर में है तो R1 डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम होगी, इम्प्लाइज दैट द हैवियर पार्टिकल भी आप कह सकते हैं, पार्टिकल लाई वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास, वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें n पार्टिकल के केस में सेंटर ऑफ मास निकालना है, n पार्टिकल के केस में अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये मैंने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दी हैं, x और y एक्सिस,
और ये कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, ये रेगुलर शेप की रिजिड बॉडी है, ये एन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है, और इन सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस या इसके कोऑर्डिनेट्स, m1 वाले के कोऑर्डिनेट x1 y2 हैं, m2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, m3 वाले के x3 y3। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, अगर कोई रिजिड बॉडी है जो एन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उसकी सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स कॉमा वाई अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई कॉमा सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई। ये आई बेस में लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 डैश 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 mn, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए है।